तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी? मैं भोजन भाई सुमित एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी अपने भीम आर्मी के पेज के ऊपर लाइव आए थे और उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं हथरस केस को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, हथरस के अंदर हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी चार ठाकुर लड़कों के द्वारा। अब उस केस को लेकर कई सारे खुलासे हो रहे हैं जिसको लेकर भीम आर्मी चीफ आपको सारी बातें बताएंगे। और गाइस, उन्होंने तीन चार केस की और बातें करी है जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जैसा कि एक हॉस्टल में जाकर दलित लड़कों को मारा गया और बिहार के अंदर एक दलित महिला का बलात्कार किया गया और उसके बच्चे को भी मार दिया गया। तो अगली जो वीडियो होगी वो चंद्रशेखर भाई की होगी और पूरी वीडियो आप जरूर देखना सारी सच्चाई जानना चाहते हो तो देखिए ये वीडियो। आग पहले हाथरस पे बात करें। देखिए, हाथरस में जो चल रहा था आप सब लोगों को पता है किस तरह से पीड़िता का सही इलाज नहीं कराया गया, फिर इलाज के लिए एम्स बुलाया गया तो एम्स की जगह सफदरजंग भेज दिया गया, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर पीड़िता की डेथ हो जाती है। जो जानकारी के बाद जब पूरी जांच होगी तो हो सकता है कि उसके पीछे और भी कुछ चीज़ें निकल के आ जाएं। जैसे मैंने कहा कि मुझे शक है कि अलीगढ़ से डेड बॉडी को ही जो है सफदरजंग शिफ्ट किया गया हो जनता के दबाव में, आप लोगों के दबाव में, और इसीलिए पीड़िता का शव जो है परिवार को नहीं देखने दिया गया। जिस तरह से मेरी मांग थी कि पोस्ट, मेरी क्या समाज की मांग थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा हो पैनल द्वारा, तो उसमें यह भी साबित हो जाता कि पीड़िता की डेथ कब हुई, तो सरकार को पे बहुत सारे सवाल खड़े होते, इसलिए तरह तरह की चीज़ें करके चीज़ें खराब की गई। आधी रात में परिवार के बिना मर्जी के शव जला दिया गया। लेकिन उसी बीच एडीज लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आया था कि रेप नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वो ऐसी टिप्पणी कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये कोर्ट तय करेगा हुआ है नहीं हुआ है। जो बातें उन्होंने फैक्ट उसमें रखे कि स्पर्म नहीं था, तो मैंने उसका खंडन किया था कि, और मैं क्या कोई भी लॉयर उसका खंडन करेगा कि रेप की जो परिभाषा है वो अब बदल चुकी है 2013 के बाद, निर्भया मामले के बाद रेप की परिभाषा बदल चुकी है पूर्ण रूप से। तो उसमें सब चीज़ें हैं, उसमें इंजरी भी है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो कोर्ट के माध्यम से तय होंगी और पता लगेगा क्या क्या हुआ था। उसके बाद एक मीडिया ने परसेप्शन बनाना स्टार्ट किया। ये जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान था ये भी जनभावनाओं को एक तरह से सहमति और असहमति बनाने के, लोगों के अंदर जो है लोगों को गुमराह करने के लिए मैसेज था कि लोगों में विरोध और आक्रोश जो चल रहा था पूरे देश में वो कम हो, लोगों को लगे कि ये झूठी घटना है और दलित इस तरह के काम ही करते हैं, हमेशा आरोप लगाते हैं। तो ये उनका एक जो है उस समय का एजेंडा रहा होगा जिस पे उन्होंने काम करते हुए कहा कि भाई रेप नहीं हुआ है। फिर एक मुद्दा आता है कि कॉल डिटेल मिली है, कुछ न्यूज चैनल ने चला कि कॉल डिटेल मिली है, तो इसका मतलब फिर पीड़िता का कुछ चैनल द्वारा पीड़िता का, ये पहली बार हुआ कि पीड़िता का चरित्रहनन किया जाने लगा, उसके परिवार को दोषी बनाया जाने लगा। मैंने इस पर अपनी बात भी रखी। फिर सरकार उसके अलावा एक और चीज ले आई कि यहाँ तो जातिगत दंगे कराने का प्लान था विपक्षियों का, PFI का 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी भीम आर्मी को। फिर मैंने उस पर भी बात रखी, मैंने दावा किया कि अगर 1 रुपये का भी आरोप आप साबित कर देंगे तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। फिर उसके बाद उसमें नक्सल कनेक्शन आया। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, गुमराह करने के लिए और उस असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए। दूध का दूध और पानी का पानी होता चला गया। असल में क्या था कि सरकार बलि का बकरा ढूंढ रही थी, जो उन्होंने पहले सबीरपुर मामले में भी ढूंढा, 2 अप्रैल में भी ढूंढा, वो बलि के बकरे ढूंढे किसके ऊपर, ये सारा आरोप मंडकर सरकार जो है बच जाई और सरकार ये कहे कि देखिए ये सब चीज़ें जो हैं पहले से प्लांट थी, तैयार थी, सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन सच ये है कि सरकार की नाकामी है। मैं और भी बहुत सारी बातें रखूँगा लेकिन एक ज़रूरी सवाल जो मैंने आज किया है, मैंने मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठाकुर अजय कुमार बिष्ट को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने उनसे सवाल किया है कि 2 घटनाओं का जिक्र किया है। जो एक घटना पहले हुई थी जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वो लखनऊ की घटना थी जिसमें जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो एक एप्पल कंपनी में एक अधिकारी थे, रात में पुलिस द्वारा उनकी हत्या होती है, वो भी हमारी बहन थी, उस पीड़ित बहन को जो है 2 दिन में सरकारी नौकरी मिलती है, 40 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए, इस घटना को लगभग 1 महीना बीत चुका है, थोड़ी देर में 14 तारीख हो जाएगी, 14 तारीख की घटना थी, लेकिन ना तो नौकरी दी गई,
ना आर्थिक मदद की गई, ना ही जो मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि भाई आवास दूंगा, वो भी नहीं किया गया। ऐसे मुख्यमंत्री ने सीबीआई का दावा किया था, सीबीआई को 2-3 दिन पहले जांच मिली है। तो मैंने पूछा कि कब देंगे, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, न्याय सबके लिए समान है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, आपने जो वादे किए कम से कम उनको तो पूरे कर दें। तो अपनी बात पे तो स्थिर रही जो आपने किया है, लेकिन मैं जो जरूरी बात आपसे कर रहा हूँ ये है कि चलिए दलित समाज पे तो आवाज़ है बोलने वाली, मैं हूँ और भी नेता है दलित समाज के, वो बोलते हैं, कुछ बैकवर्ड के लोगों पे भी है, माइनॉरिटी के लोगों पे कुछ नेता वो बात रखते हैं, लेकिन एक बड़ा समाज यहाँ ऐसा भी जैसे निषाद है, प्रजापति है, पाल है, कश्यप है, धोबी है, सैन है, खटीक है, कुशवा है, उनके साथ भी ये जुल्म जाती होती है। जैसे एक कुशवा प्रधान जी की महोबा में हत्या की टीम द्वारा बताया गया, मैंने उस पर ट्वीट भी किया। ये जो सारी जातियाँ और इसके अलावा कुछ अन्य जातियाँ जो आपके संज्ञान में नहीं है, उन पर भी मैं ये कहना चाहता कि उनके साथ भी जुल्म जाति लगातार होती है, उनको भी जातिवादी व्यवस्था का शिकार होना पड़ता है, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि बहुजन समाज में हम लोग जन्मे हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन को चला रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आवाज़ को उठाएं और कम से कम इन सभी समाज को सुरक्षित महसूस कराएं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई को लड़ें, तभी बहुजन बनेगा। जब हम ये सारे समाजों की लड़ाई को लड़ेंगे, जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, अब उन पर क्या क्या हो रहा है ये मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। पहले उत्तर प्रदेश पर चर्चा करते हैं। झांसी में एक घटना हुई है जो बड़ी शर्मनाक है, चित्रकूट में एक घटना हुई है, चित्रकूट की घटना मैंने ट्वीट भी किया है, दोनों घटनाओं के बताते हैं। एक घटना में हुआ क्या है कि एक बच्ची के साथ 6 से 7 लोगों ने रेप किया, पुलिस के पास FIR के लिए गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो उल्टा जो है आरोपी को बचाते रहे। जब उसको पीड़िता को लगा कि उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसने आत्महत्या कर ली। अब बच्ची तो नहीं रही है, सरकार पुलिस के अधिकारी कर्मचारी कुछ भी करते हैं, लेकिन बच्ची वापस नहीं आ सकती है। इस व्यवस्था ने, जिस व्यवस्था में योगी गवर्नमेंट है, उन्होंने उस बच्ची की जान ले ली। अब उसका जीवन कौन लौटाएगा? मुख्यमंत्री तो नहीं लौटा सकते हैं, सरकार भी नहीं लौटा सकती, पुलिस प्रशासन भी नहीं लौटा सकता, मैं और आप भी नहीं लौटा सकते। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री सत्ता में बैठकर जो है अपराधियों का संरक्षण करें। झांसी में एक घटना हुई जहां हॉस्टल का जो मामला था, जिसमें जो है एक बच्ची का के साथ जो ब्लैकमेलिंग की, 10 से 12 लोगों ने रेप किया, लेकिन ये आपका दबाव है और माहौल बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में घटनाएं तो हो रही हैं, अपराधियों के हौसले तो बुलंद है, लेकिन सरकार तुरंत प्रशासन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लखीमपुर का एक मामला है जिसमें बड़ी दिक्कत आई है, जिसमें जो एक माँ बाप, एक बेटे को और उसके पिता को पीटा गया, चित्रकूट का है, चित्रकूट का, जिसमें पीटा गया और पेशाब पिलाया गया, दलित समाज से हैं दोनों। उन्होंने कुछ दिन पहले जिन आरोपियों ने किया उनकी FIR भी कराने के लिए पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरके सोचती रही। परिणाम ये हो गया, उनको पीटा गया और उनका जो है सार्वजनिक अपमान किया गया। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ चुकी है। सरकार इसे कहेगी विपक्ष का काम है और विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार अपराध पर रोक नहीं लगा रही है, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिहार की घटना है, बिहार में जो है एक महिला के साथ रेप हुआ है और रेप पीड़िता को बंधक भी बना के रखा गया, 5-6-7 लोग थे जिन्होंने रेप किया, एक उसके पीड़िता के जो बच्चा था उसको जो है उसकी भी हत्या कर दी गई। अभी एक खबर आई थी, मुझे कंफर्मेशन नहीं हुआ है, कि मोतिहारी में हॉस्टल में जो है, जो SC/ST का हॉस्टल है, उसमें हमला किया गया कुछ लोगों द्वारा, जिसमें 3 बच्चों को गोली लगी है, उनके हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। मैं ये जिक्र आपसे क्यों कर रहा हूँ, मैं अंत में इसका कंक्लूजन भी आपको दूंगा। मध्य प्रदेश की घटना है जहाँ भिंड में गोली मारी गई है, स्वर्णों द्वारा एक दलित व्यक्ति, एक नौजवान को गोली मारी गई है, ये मध्य प्रदेश का मामला। राजस्थान में आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, आदिवासी छात्रों का, उनकी हक की लड़ाई में जिस तरह वहाँ की, राजस्थान में जो मामला हुआ है जो आदिवासी भाइयों के साथ है, जिसमें उनकी मांग के साथ जो है, मांग तो पूरी नहीं हुई, उनको बदले में उनको लाठी मिली है, उनको मुकदमे मिले हैं और बहुत सारे लोग जेल में हैं, ये राजस्थान का मामला। हरियाणा में लाडवा गांव में एक मामला हुआ है, उससे पहले भी 2-3 रेप के मामले हुए थे। झज्जर में एक लाडवा में एक हत्या की गई है, पुलिस के पास जो है पीड़ित परिवार ने अपील लगाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में उस पहले अपहरण हुआ था, फिर हत्या हुई। ये मैं सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार किसी की हो, कोई प्रदेश हो, घटनाएं लगातार हो रही हैं,
अपराध चरम पे है और एक तरह से जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हों, माइनॉरिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके साथ ये घटनाएं ज्यादा हो रही है क्योंकि उनकी सत्ता में भागीदारी नहीं है। और काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनका राज नहीं होता उनकी बहनों पर अत्याचार भी होते हैं, उनकी हत्याएं भी होती हैं, उनके अधिकार भी छीनते हैं, तो इसलिए इन सब से मुक्ति के लिए आपके पास अच्छा रास्ता है कि आप राज ले आएं। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं का जहां जहां इलेक्शन है वो जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे एक बार कहने के बाद जो है अपने कैरियर की परवाह नहीं करते, मुकदमों की परवाह नहीं करते, लाठी की परवाह नहीं करते, जेल की परवाह नहीं करते और ईमानदार से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हैं तो मैं हूं और मैं आपसे ही हूं, क्योंकि किसी भी संगठन की जो रीढ़ है वो उसके कार्यकर्ता होते हैं। मुझे गर्व है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पे के जैसे कार्यकर्ता किसी संगठन पे और किसी दल पे नहीं है, जिन्होंने पिछले 6 साल की 5 साल की मेहनत में भीम आर्मी को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है दर्जा प्राप्त कराया, जहां दुनिया में भीम आर्मी को जाना जाता है वो आपके काम से जाना जाता है। और इस तरह से आजाद समाज पार्टी का लगातार काम आगे बढ़ रहा है। अभी बुलंदशहर पे जो टीम लगी हुई है उनका भी सभी का धन्यवाद करता हूँ, नौजवानों का धन्यवाद करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि आपने जो ताकत मुझे दी है, जिसके दम पे यहाँ जहाँ इतना भेदभाव है, जहाँ इतने संसाधनों वाली पार्टियाँ सब कुछ है, वहाँ आपकी पार्टी जो है वो भी अपना जो है अपना दम रखती है और अपनी बात कहती है, उसको भी मौका मिलता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को उनको सुनना पड़ता है, उनकी बात रखनी पड़ती है, तो ये आपका दम है। तो ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को मैं हृदय के से आभार प्रकट करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि कार्यकर्ता ही जो हैं संगठन की पार्टी की रीढ़ होते हैं, आप मेरी ताकत हैं सबसे बड़ी। तो जिनसे मैं बात नहीं कर पाता हूँ या जिनसे बात करता हूँ सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जो ताकत आपने मुझे दी है, जिसकी वजह से आज मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कहीं भी अन्याय और उन मुद्दों को उठा के जो है उनमें न्याय दिलाने का प्रयास करूँ, चाहे ट्विटर के माध्यम से, फ़ोन करके, चाहे वहाँ फिजिकली जाके, और जहाँ मैं नहीं जा पाता वहाँ आप लोग जाकर जो हैं इस कमी को पूरा करते हैं। तो ऐसे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी की वीडियो में इतना ही, आगे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।